आप जेईई नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कितने मैक्सिमम घंटे पढ़ाई की जा सकती है? करेक्ट आंसर इज 24 आवर्स। जैसे ही आप सुनेंगे 24 घंटे, आपको लगेगा वीडियो को यहीं रोक देना चाहिए, ये तो संभव ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे 24 घंटे पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ये आपका जीवन बदल सकता है। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको अपने 24 आवर्स को, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इस तरह से मैनेज करना है कि आपकी पढ़ाई का टाइम मैक्सिमाइज हो सके। प्लीज अंडरस्टैंड, हमको टाइम ही नहीं मैक्सिमाइज करना है, हमको अपना आउटपुट भी मैक्सिमाइज करना है। देखिए, दो बातें, एक, आपने पढ़ाई में कितना इनपुट दिया, इनपुट मतलब कि आवर्स, आवर्स स्पेंड ऑन स्टडिंग। और आउटपुट जो अल्टीमेट है वो तो एग्जाम का रिजल्ट होगा, लेकिन बीच रास्ते में जो आउटपुट है वो है आपका टास्क जो कंप्लीट हो गया है, कितना आपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सो लेट्स कॉल दैट अवर आउटपुट। ज्यादा से ज्यादा टास्क, तो ज्यादा होमवर्क कर लिया, ज्यादा अच्छी क्वालिटी से कर लिया, दिस इज योर टास्क, राइट? कितना अच्छा आपने रिविजन कर लिया, कितने अच्छे नोट्स बना लिए, इस तरह की चीजें, टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स लिए, दिस इज योर आउटपुट, मेजरेबल आउटपुट। अब 24 आवर्स आपको इनपुट देना संभव है क्या? नहीं है। लेकिन आप अपनी जीवन के 24 घंटों को और इसके हर सेकंड, हर मिनट को इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं कि आपका ये आउटपुट मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज हो जाए। ना, ऑप्टिमम वर्ड बेटर रहता है, ऑप्टिमम हो जाए। हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस, इसके बारे में शॉर्ट में मैं बातचीत कर रहा हूं। देखिए, व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, आप जो भी एक्टिविटी डिजाइन करें अपनी पढ़ाई की, आराम की, आराम की भी, राइट, और कोई भी तरह की, इस तरह की आपकी और एक्टिविटीज, उसमें बस एक बात का ध्यान रखें कि उनका पर्पस आपका आउटपुट ऑप्टिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना, आपकी पढ़ाई मैक्सिमाइज करना आपका होल एंड सोल पर्पस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कितने घंटे सोना चाहिए। देखिए, इतना कम नहीं सोना चाहिए कि जब आप पढ़ने बैठे तो दिमाग फोकस ही नहीं कर सके, इतना ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए कि पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले, दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग द थीम, ऑलराइट। खाना खाने बैठे तो ये नहीं कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, पनीर बन गया है, तो अपन ने 3 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, फिर खा के अपन मस्ती से सो गए। तो क्यों खाते हुए किस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि अपन इतना ही खाना खाएं जितना न्यूट्रिशन और बॉडी को चलाने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। फूड में न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि आपका दिमाग स्वस्थता से चलता रहे, बाहर का उल्टा सीधा खाना नहीं खाएं जिससे कि आपकी तबीयत खराब ना हो। तो आप अपनी हर चीज जो भी दिन भर में सोचते हैं उसमें बस आपको इतना सा सोचना होता है कि यार, ये जो मैं चीज कर रहा हूं इससे मेरी पढ़ाई नेगेटिवली इंपैक्ट होगी या पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी, क्या मुझे 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको लगता है, 5 मिनट अपने दोस्त से, यार दोस्त से थोड़े गप्पे मार लेने चाहिए। हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि उससे 10 मिनट गप्पे मार के आपका दिमाग फ्रेश होता है और आप और फोकस से पढ़ाई कर सको तो। लेकिन क्या मुझे उस दोस्त से गप्पे मारने चाहिए जिससे गप्पे मार के मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ? नहीं, उससे मत मारिए, उससे मारिए जिससे दो हंसी मजाक की बात हो सके, दिल थोड़ा हल्का हो सके। जो भी आप चीजें करते हैं उनका पर्पस क्लियर रखिए कि यार, ये इससे मेरा 24 घंटे का यूटिलाइजेशन पढ़ाई की तरफ हो, ना कि इस चीजों की तरफ जो आपको बचा हुए टाइम के लिए, पढ़ाई के लिए कम कर दे। तो अफेक्टिवली मान लीजिए आप 6 से 8 घंटे सोना जरूरी होता है, तो ये आप सोइए। कुछ लोगों का 6 घंटे में काम चल जाता है, 6 घंटे से कम में बहुत कम लोगों का काम चलता है एक्टिव माइंड के साथ। 8 घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है किसी भी नॉर्मल इंसान को, अनलेस कोई उसको बीमारी है।
तो इस घंटे में आपका काम चल जाता है स्लीप का, तो प्लीज स्लीप, क्योंकि आपने यदि 2 दिन कम सो भी लेके आपने नंबर्स बढ़ा भी लिए तो बाद में वो क्वालिटी ऑफ वर्क अफेक्ट करने वाली है, बिकॉज पढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स इनपुट काउंट नहीं होता, उसमें आपने कितना डीपली समझा है ये चीज काउंट होती है। ठीक है, क्या आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका यदि बाकी का माइंड टाइम माइंड को तरोताजा रखता है तो आप एब्जॉर्ब ज्यादा कर पाएंगे। क्या आपको हफ्ते 15 दिन में आधे दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, 1 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए यदि आपका काम अप टू डेट है? बिल्कुल, क्योंकि उससे आपके बाकी के 7 दिन या 15 दिन पढ़ाई अच्छी हो सकेगी। सो ऑल थिंग्स आर अलाउड इफ दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओनली वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, दैट इज कि आपका आउटपुट जो है पढ़ाई का वो मैक्सिमाइज हो रहा। सो आई होप दिस हेल्प्स यू डिजाइन योर स्टडी जिससे कि आप मैक्सिमम पढ़ाई में आउटपुट निकाल सकें। Thank you.